मेरी चैनल शहनाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल को गर्म करने रख दिया है। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 साबुत लाल मिर्चें डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 लहसुन की जगह बारीक बारीक कट करके डाल दिए। ये देखिए, ये 2 मीडियम साइज़ की अनियन है, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल लिया है। मैं इसे मिला लूँगी, अच्छे तरीके से चलाऊँगी। देखिए, अच्छे तरीके से इसको चला लेना है। उसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को काट के डाल दिया है इसमें। ये देखिए, मैं इसको भी चला रही हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे मैं बैंगन डाल दूँगी। ये 1/2 किलो बैंगन है, मैंने इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। देखिए, सारे बैंगन मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे चलाऊँगी, मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करूँगी, फिर इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ली है, 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने हल्दी का पाउडर ले लिया है, मैंने इसमें इसे डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी मसालों को। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा हुआ है मैंने। इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। देखिए, मैंने इसे इसे चलाते हुए लगातार भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये देखिए, ये 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके मैंने इसे बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। लीजिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, इसे मिला देंगे। अच्छी तरह से इसे मिलाना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 1/4 कप के करीब है। अब इसे हिला लेंगे। लीजिए, अब मैं इसकी लीड को कवर कर रही हूँ और इसे 3 से 4 प्रेशर लगा लूँगी। जब इसके प्रेशर लग जाएंगे तब मैं इसके प्रेशर रिलीज होने तक इसी में इसको छोड़ दूँगी। देखिए, प्रेशर लग चुके हैं। लीजिए, प्रेशर रिलीज़ हो गया है। मैं इसकी लीड को ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, कितना अच्छा बैंगन का भरता बना है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने गैस का फ्लेम चालू कर लिया है। देखिए, हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से। देखिए, चलाते हुए भून लेना है, इसे मैश कर दें बीच बीच में इस तरीके से। ये देखिए, ये मैश हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं 7 से 8 लो फ्लेम पर इसे ऐसे कवर करके पकने दूँगी। लीजिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी लीड को हटा दिया है। देखिए, मैंने 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी काट के। लीजिए, अब मैं इसे मिला दूंगी। ये मिक्स हो गया है। मैं 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसकी लीड को ऐसे कवर करके छोड़ दूंगी। लीजिए, उसके बाद मैं इसको गैस का फ्लेम ऑफ करके डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए, ये मज़ेदार बैंगन भरता तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।